कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अंजलि आप सभी का अपने नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। बहुत टाइम बाद ब्लॉग आ रहा है, मुझे पता है। बहुत सारे आप लोग मैसेज भी कर रहे हो इंस्टाग्राम पे। मैं सोच रही थी अपलोड करूँगी लेकिन हो नहीं पा रहा था, टाइम मिल नहीं पा रहा था। यहाँ पे कहीं घूमने भी नहीं जा सकते, मौसम साथ नहीं दे रहा है। तो चलो आज देखते हैं इस ब्लॉग में क्या होने वाला है। और वही, आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइब्रेरी आए हुए हैं क्योंकि सात्विक को आना था यहाँ पे, बहुत दिन हो गए थे और उसने जितने भी बुक्स थे उसके पास वो कंप्लीट कर चुका था। तो ये इसने ग्रूंग वाला बुक लिया है, आपने देखा भी होगा लाइव में, कई बार पढ़ता भी रहता है। तो ये नई बुक आई है उसकी, तो वो अपना इशू करवा रहा है। उसके बाद देखते हैं कहाँ चलना है आज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ब्लॉग में सिर्फ और सिर्फ पैसे ही खर्च होने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्या होता है आगे। Straight. How do you sit straight? No, sit straight. Hmm. Okay, look here. और अब यहाँ पे हम स्टूडियो पे आ गए। यहाँ पे सात्विक की फ़ोटो क्लिक होनी थी, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह हमें था ज़रूरी इस वजह से। और सही में यार इतना महंगा ना, $20 लग गए हमें। और वो भी हमें वो क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी मिला, हार्ड कॉपी नहीं मिला। मेल पे उन्होंने भेजा $20 या $25, इतने लग चुके हैं हमारे यहाँ पे। Don't move that, eh? Stay there. Okay. Can you turn this up? Turn your face? Done. No, no. Just a minute. Then go a little bit. Okay. Right? Okay. Ready? One, two. One more. You like this? Yes. Okay. Mm. All right. अब हम हेयर कट के लिए आ गए। और जब हेयर कट के लिए आए तो हमने देखा कि यार इनका रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले $20 था, $25 हो गया है। लेकिन क्या करें, सावन भी चल रहा है, लेकिन बाल कटवाने ज़रूरी थे क्योंकि ऑफिस भी जाना था, तो इस वजह से आना पड़ा। और यहाँ पे आप सात्विक की बदमाशी देख सकते हो जो कंटिन्यू अभी थोड़ी देर के लिए चलेगी जब तक अनिल बैठे हुए हैं। Yes.
शाम के 7 बज चुके थे, अनिल का हेयर कट भी कंप्लीट हो गया, इनका स्टोर बंद करने का भी टाइम हो गया था। इन्होंने वैसे बंद ही कर दिया था, बस हम ही थे लास्ट। तो अनिल का फाइनल लुक ये था। अब सात्विक बिल्कुल शांत बैठ जाएगा अनिल को देख के। आप देख रहे हो सब साफ सफाई हो रही है, अब बंद हो जाएगा धीरे धीरे। आफ्टर हेयर कट हम अपने फेवरेट जगह पे आ गए, क्योंकि ये भी सेंड्रिंगम में ही है और सात्विक एक बार सेंड्रिंगम में चला गया तो यहाँ तो आना ही आना है हमें। तो अपने गैरी अंकल से मिला वो, और हम हेल्दी बाइट में समोसे लिए हमने। आज हमने यहाँ पे बैठ के नहीं खाया, टेक अवे था हमारा, हमने ले पैक करवाया था। और इनके पास बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज मिलती है, आप देख रहे हो नमकीन वगैरह सब कुछ मिलता है। और सात्विक का कंटिन्यूसली बदमाशी चालू है, वहाँ से इसने स्टार्ट किया था यहाँ तक इसका अभी बदमाशी ख़त्म नहीं हुआ। आप देखते हो बस आगे आगे सात्विक करता क्या है। तो पीछे आपको काउंटडाउन दिख रहा होगा, हम लोग आए हुए हैं, थोड़ा सा सामान लेना था क्योंकि सैटरडे संडे आप सबको पता ही था कि हम लोग कितने बिजी थे। उसके बाद हम लोग बीमार पड़ गए तो कुछ हो नहीं पाया इस वीक का, तो घर में थोड़ा सा कुछ कुछ है नहीं, तो हमने सोचा चलो थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। तो काउंटडाउन आए हुए एवोकाडो आज काफ़ी अच्छे हैं और स्टॉक में भी है, और रेट भी मुझे काफ़ी ठीक लग रहे हैं आज, तो मैंने 2 ले लिया है क्योंकि मुझे एवोकाडो सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है। और कल मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूँगी। आज ये भी ठीक प्राइस पे मिल रहा है, शायद फ्राइडे को मुझे लगता है ऑफर रहता है ना। वैसे ये $10 का होता है, आज $7 का है। और 4 kg है ना ये, 4 kg ले लो। एक पाव भी ले लेते हैं। घर में बहुत सारी थोड़ी 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 सी सब्जी बची हुई है ना, तो उसको मिक्स करके भाजी बना लूँगी, अच्छा हो जाएगा। आराम से दो, आराम से। और जैसा कि यहाँ पे बच्चों के लिए फ्री फ्रूट होता है, तो आज है बनाना, ऑरेंज, एप्पल और बनाना। वो देखो, नो ओनली वन, वन ओनली वन। हम बाई कर लेंगे ना, एक लो। नहीं बेटा, वो नहीं ले सकते। आज मैं वैसे इंडिया के एक स्टोर देख रही थी, काफ़ी एक्सपेंसिव है वो स्टोर, वहाँ बॉम्बे में है, वहाँ पे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस ही शॉपिंग करते हैं। वहाँ पे मैंने देखा एक एप्पल जो न्यूजीलैंड से जाता है, उसका नाम है रॉकेट एप्पल, हम भी लाए थे। तो ये बहुत कॉस्टली होता है यार, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा यार यहाँ का एप्पल वहाँ पर भी जाता है, कितना अच्छा लगता है ना। ये वाला एप्पल ले लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ न्यूजीलैंड। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट जहाँ का है ना, वो वहाँ लिखा रहता है, न्यूजीलैंड का है। मैं आपको और भी फ्रूट दिखाऊंगी, जो चाइना का भी होगा वो भी दिखाऊंगी आपको। काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली, ब्लैक वाले ग्रेप्स जो हैं वो देख रहे हो $12 के आसपास है। महंगाई बहुत बढ़ रही है यहाँ पे। अनार पूछा था ना, $7 में 100 ग्राम है, ये आता है इतना छोटा सा। ये तो नहीं लूंगा, ये लूंगा बोले, नहीं लूंगा।
रख ले मेरे को मोरा इसके लेमन चाहिए मेरे को लेमन ले लेते हैं थोड़ा सा पाव भाजी में भी काम आ जाएगा लेमन अच्छे हैं पाव भाजी में भी काम आ जाएगा और सैलेड वगैरह में भी काम आ जाएगा ऑरेंजेस इतने अच्छे अच्छे हैं ना लेने का मन कर रहा है लेकिन कोल्ड की वजह से ले नहीं पाऊंगी अभी सीज़न आने वाला है ना तो ये रहेगा ये देखो बनाना है जैसे मैंने बोला है कि जिस कंट्री से होता है ना वो उसको मेंशन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिको एंड कोडोर करके पता नहीं कौन सा है रेन फॉरेस्ट तो ये मेंशन कर देते हैं कौन सी कंट्री का है तो ये मैक्सिको के बनाना है टमाटर देख रहे हो कितना महंगा है लेने का मन है लेकिन ले नहीं पाऊँगी बात यही नहीं रुकती है टमाटर की वो आपको 12.45 डॉलर मतलब $12.50 के आसपास मिला ना वो टमाटर अभी मैं आपको दिखाती हूँ उससे महंगा महंगा ये देखिए 500 ग्राम $10 यानी $20 का केजी ये $22 पर केजी ये $21 पर केजी ये देखो सोने के भाव में बिकने वाले 38 मतलब 39 के आसपास पर केजी क्या करे इंसान क्या खाए मैंने डिसाइड किया है फ्रेश टमाटर खाने की अभी है नहीं मेरे पास क्या बोलते उसको क्या बोल सकते हिम्मत है नहीं मेरे पास तो हम सोच रहे हैं कैन वाला ही टमाटर यूज़ किया जाए अभी ये खीरा है ठीक है और खीरा का रेट दिखाऊँ अभी मतलब सीज़न नहीं है तो शायद इस वजह से भी महंगा हो महंगाई देखते देखते काफ़ी बढ़ चुकी है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है आसमान छूटा जा रहा है महंगाई साथ में तो अच्छा लगता है पास्ता तो ले लेते हैं ये भी चले या मैंने एक चीज़ नोटिस किया यहाँ पे क्या बताऊँ मैंने गार्लिक नहीं देखा गार्लिक नहीं देखा मैंने शायद आता नहीं हो इस टाइम में डाइस तो देखो हम लोग ये ले रहे हैं टमाटर की जगह डाइस टमाटर थ्री ले लो किसी ने मुझसे डायपर का रेट भी पूछा था जब मैं लाइव आई हुई थी मैं यहाँ पे आपको डायपर का भी प्राइस दिखा देती हूँ ये है डायपर कॉर्नर और यहाँ से लेकर वहाँ तक लास्ट तक जो दिख रहा है वो पूरा डायपर ही है तो ऑप्शन काफ़ी है तो आप देख सकते हो आके कौन सा आपको अच्छा लगता है बजट के हिसाब से ही देखते हैं यार हम भी बजट के हिसाब से ही देखते हैं तो 18 का है 20 का है 15 का भी है बट वही है कि पैकेट छोटा है इसका यार कितनी क्यूट क्यूट सी डॉल है इन्होंने नया रखा है कि देखो कितने प्यारे प्यारे से अच्छे लग रहे एक टाइम था जो ये कर्ट $3 का मिलता था ना 3.45 के आसपास मिलता था अभी काफी महंगा पड़ गया $1 भर बड़े खोला नहीं ना फैल जाएगा ये इनका न्यू आया है कुछ चॉकलेट है ये भी न्यू है चॉकलेट वगैरह है ये इन्होंने शायद डिज्नी वर्ल्ड वाला निकाला है कलेक्शन अच्छा लगा ना
क्या ले रहे हो? कुकीज कॉर्नर पे दिख गए दोनों। यहाँ पे आपको बिल्कुल धूप सा लग रहा होगा ना कि धूप है, बारिश भी हो रही है साथ में। न्यूजीलैंड का मौसम ऐसा ही रहता है, दिखाती हूँ आपको, ऐसे यकीन नहीं होगा जिस तरीके से धूप है ना। ये देखो कैसे दिखाऊँ, बारिश कैसे यहाँ से दिखा सकती हूँ कार पे। ये दिख रहा है आपको, सात्विक के कपड़े पे भी देख सकते हो आप। क्या हुआ सात्विक? और बादल कितने क्लियर है, बारिश आ कहाँ से रही है? वही तो, आ कहाँ से? अच्छा इस साइड देखो, इतने में बारिश हो रही होगी, इतना ठीक होगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा बादल है, यहाँ बारिश होगी, वहाँ ठीक होगा। क्या जब तक यहाँ कोई भीगेगा नहीं ना, बिलीव नहीं करेगा कि तुम बारिश में बारिश सही। कार में बैठ चुकी हूँ मैं, अब घर जाने के लिए तैयार है। अनिल सात्विक को ला रहे हैं क्योंकि उसको कार सीट पे बैठाना और बैठा के बेल्ट लगाना ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये देखो, हाँ रख दो उधर साइड में। आज हमें काउंटडाउन में ये मिला, मार्वल के कैरेक्टर्स। सात्विक को भी, सात्विक को ही मिला है वैसे, तीन मिला था, हम लोगों ने डिवाइड कर लिया एक एक करके। तीन कैरेक्टर मिले मार्वल्स के। सात्विक को मिला, सात्विक ने अपना ओपन किया है। ओपन किया तुम्हारे में क्या है सात्विक? डैडी का, डैडी ओपन करेंगे भाई। क्या है सात्विक? अभी रुक जाओ, डैड सात्विक का देखने दो। ओके सात्विक नहीं बताएगा हमें, तगड़े तगड़े हैं क्या सात्विक? कैप्टन अमेरिका सात्विक में आया है। दिस इज कैप्टन अमेरिका सात्विक। दिस इज कैप्टन अमेरिका। नाउ डैडी टर्न, डैडी ओपन करेंगे। माय टर्न। एंड दिस इज, अभी बताता हूं मैं क्या है। थॉर, वाह सात्विक, सात्विक के तगड़े तगड़े। आपके पास क्या क्या आया बताओ? अरे क्या है वो? कोई लोकी विंटर सोल्जर। सात्विक में सबसे अच्छे हैं, मेरे में ही आए। आपकी फोटो दी आपके में मैचिंग करते हुए दिया ना सही में। सात्विक को अच्छे मिले यार, ये भी वैसे सात्विक ही ले लेगा हमसे। आई होप गाइज आज का ब्लॉग आपने बहुत इंजॉय किया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। सच में यार ऑकलैंड में दिन से दिन महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है ना, आप कुछ भी लेने जाओ ना तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। बेस्ट है कि आप फ्राइडे और सैटरडे जाओ, इसमें अच्छे ऑफर्स होते हैं। कहीं पे भी जाओगे, काउंटडाउन, पैक एंड सेव, कहीं पे भी जाओगे तो अच्छी डील आपको मिल जाएगी। तो बस आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। अभी आप थोड़ा सा व्यू इन्जॉय करो।